श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। एक होते हैं विचार और दूसरे होते हैं विकार। विचार भी विकार है और विकार भी विचार है, तो इन दोनों में क्या फर्क है? किसी भी वस्तु को लेकर के जब हमारे मन में वृत्तियां उठती है और उन वृत्तियों के कारण हम अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं, तब उन वृत्तियों को विकार कहते हैं। और जिन वृत्तियों के कारण हम अपने विकारों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, उन वृत्तियों को विचार कहते हैं। कुछ समझ में नहीं आया स्वामी जी? अब ऐसा समझो, किसी वस्तु को देखा, व्यक्ति को देखा और मन में विचार आने शुरू हो गए, पता नहीं कोने क्यों आ रहा है इतना, पता नहीं कहां से आकर टपकते हैं लोग, कैसे देखो कैसे देख रहे हैं, ये विकार है। और विचार क्या है? किसी अच्छे काम से आया होंगे, कोई बात नहीं पूछ लेते हैं, यही विचार। तो जब हमारा मन किसी भी वस्तु व्यक्ति को देख करके रिएक्शन करता है तो उन रिएक्शन को विकार कहते हैं, और जब किसी वस्तु व्यक्ति को देख करके चिंतन करता है तब उसको विचार कहते हैं। तो विकार क्या क्या हो गए? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब विकार है। और कस्त्वम कोहम कुतमायातः कामे जननी को मेतातः, ये विचार है। कल जो हमने आपको एक उदाहरण दिया था लुंगी को इस्त्री करने का, उसको समझ के देखो। जब कपड़े पर सुखाने के बाद उल्टी सीधी सलवटें होती है, जिसका कोई नियम नहीं, कोई सलवट कहीं भी जा रही है, उसको कहते हैं विकार। और फिर उसी कपड़े पर उसी स्त्री से हम एक क्रीज बनाते हैं, ये क्रीज भी तो सलवटी है, लेकिन जो बाकी के सलवटे हैं वो कपड़े में गंदगी दिखा देते हैं जो न होते हुए, और ये जो सलवट है जिसको क्रीज कहते हैं ये कपड़े में सुंदरता लाती है। तो ये जो क्रीज है ये हो गई विचार, एक दिशा में जा रही है, और बाकी की जो सलवटे हैं वो सेल्फ कैंसलिंग, एक इधर जा रहे एक उधर जा रही। इसीलिए हमको इधर ध्यान देना है कि क्या हम विचार कर रहे हैं या विकारों में फंसे हैं। तो कैसे विचार करते हैं इसको देखना है, और इसमें विकार कौन से होते हैं ये देखना है। दृग् दृश्यौ द्वौ पदार्थस्तः परस्पर विलक्षणौ दृग् ब्रह्म दृश्य माया स्यात् इति वेदांत डिंडिमः, 30वां श्लोक है। दृग् दृश्यौ द्वौ पदार्थौ स्तः, दो पदार्थ है, दो शब्द है, एक है दृग् और दूसरा है दृश्य। दृग् माने देखने वाला, दृश्य माने देखा गया, और ये कैसे है? परस्पर विलक्षणों, ये एक दूसरे के एकदम विलक्षण है। जैसे देखने वाले वाला मैं एक हूं, ये स्टैंड एक पदार्थ है, ये दूसरा स्टैंड, ये तीसरा स्टैंड, तो दृश्य जो है देखे गए हैं वो अनेक होते हैं और देखने वाला एक होता है, परस्पर विलक्षण। देखने वाले वस्तु यदि अनेक हो जाए तो उसका देखने वाला जो एक है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो जैसे आप लोग यहां बैठे हो, मैं आपको हमारी अपनी आंखों से देख रहा हूं, समझो आप लोग 100 लोग हैं यहां, 100 के जगह में 1000 हो जाते हैं तो क्या मेरे आंखों पर बोझ आएगा? या कम हो जाते हैं
तो आंखों को ऐसा लगेगा अरे हल्का लग रहा है जरा, चाहे कम लोग है। यदि कोई भी नहीं है तो ऐसा लगेगा कि अरे आंखों को खाली खाली लग रहा है। नहीं, सिद्धांत यह है जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता। दृग दृश्य पदार्थ द्वौ परस्पर विलक्षण और दृग ब्रह्म दृश्यम माया स्यात्। और जो देखने वाला है वो एक है, अनेक नहीं है। देखो महाराज, यहां आपका जीव खत्म हो जाएगा। जो भगवान कहते हैं ना, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे अर्जुन, सभी देहों में मैं ही प्रकट हो रहा हूं। प्राकट्य देह के अनुसार भिन्न भिन्न है, लेकिन जो प्रकट हो रहा है वो एक है। जैसे बल्ब है, माइक है, फैन है, तीन वस्तु है, तीन उपाधियां है। अब तीन उपाधियों में एक ही बिजली प्रकट हो रही है। तो बल्ब में जब प्रकट होगी तो प्रकाशात्मक होगी, फैन में होगी तो घूमती रहेगी, माइक में होगी तो नॉइस करेगी। तो ये बिजली में ना तो प्रकाश है, ना घूमना है, ना नॉइस है। फिर ये किसके गुणधर्म है? ये है उपाधि के गुणधर्म। इसी प्रकार से एक ही परमात्म तत्व, इसीलिए ब्रह्म का तात्पर्य है एकमेवा द्वितीय, बृहत्वाद ब्रह्म, जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़े को कहते इन्फिनिट। आइंस्टीन कहते हैं देर आर टू इन्फिनिटीज विच आर वेरी यूनिक। वन इज दिस वर्ल्ड इज इनफाइनाइट, सेकेंड इज द स्टुपिडिटी ऑफ मैन इज ऑल्सो इनफाइनाइट, बट द इनफाइनाइट वर्ल्ड मे बी डिस्कवर्ड बट द स्टुपिडिटी ऑफ मैन कैन नेवर बी डिस्कवर्ड, टू वॉट एक्सटेंड इट कैन बी। इसीलिए ये जो इन्फिनिट तत्व है एक होता है, अनेक नहीं। देखो तो एक ही परमात्मा मनुष्य माने आदमी के देह से प्रकट हुआ तो दाढ़ी निकली, तो परमात्मा को दाढ़ी नहीं है। ये देह का गुणधर्म है। और वही परमात्मा अब समझो एक कोबरा के देह से प्रकट हो गया, कोबरा बताया ना, कोकणस्थ ब्राह्मण, तो कोबरा के देह से प्रकट हो गया तो उसमें वेनम निकला। देखो तो परमात्मा में वेनम नहीं है। तो ये जो भेद है ये औपाधिक है, परमात्मा में नहीं है। इसीलिए दृग ब्रह्म एक ही तत्व सब में प्रकट हो रहा है। इसका थोड़ा चिंतन करो ना आप, विचार करो, विकार नहीं, तो पता चलेगा। क्या मनुष्य में पंच महाभूत होते हैं और जानवरों में चार महाभूत होते हैं? देखो सब में वही है, सब में वही है। काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य, सब में वही है। भूख प्यास सब में वही है, जवानी बुढ़ापा रोग, किसी में कोई भी अंतर नहीं है। इसीलिए इस एक तत्व की तरफ ध्यान देंगे तो हम दृग ब्रह्मा, तब हमको अपने स्वरूप की तरफ समझ में आएगा। और दृश्यम माया स्यात्। अब माया का अर्थ समझ लो। ये माया शब्द को बहुत गलत प्रकार से हम लोगों ने समझ के रखा है। माया माने मीयते अनया या सा माया, जिसके द्वारा किसी भी वस्तु को नापा जाता है, वो नाप तौल करके जो प्राप्त होता है उसी को सत्य मानना, ये माया है। अब उदाहरण से ले लो, हमारी जो आंखें है, दृष्टि है, हमारी दृष्टि केवल एक लाइट स्पेक्ट्रम जो है उसी को देख सकती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वायलेट एंड्स इन द रेड, सो दिस विब्योर लिमिट्स ऑफ लाइट वेव्स आर ओनली सीन बाय आवर विजन। तो हमारी आंखों से केवल इतना ही देखा जा सकता है, इसके परे की जो लाइट वेव्स है वो हमारी आंखें नहीं देख सकती। एक्सरे, बीटा रे, जी रे हमारी आंखें नहीं देख सकती। यदि हम ये कहें कि जो हमको आंखों से दिखता है वही सत्य है,
यदि आंखों से नहीं दिखता वो सत्य नहीं है, तो हम माया के पंजे में आ गए। देखो माने इंद्रिय के, मन के, बुद्धि के माध्यम से उपलब्ध जो जो उपलब्धियां है वो सब माया का क्षेत्र है। देखो कितनी सरल परिभाषा है। तो इस माया के परे जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? ये इंद्रिय मन बुद्धि के प्रभाव से मुक्त होना पड़ेगा। देखो इसीलिए यहां चिंतन करने की आवश्यकता है, कंप्लेन करने की नहीं। तो जो जो हमको ज्ञान इंद्रिय मन बुद्धि से प्राप्त होता है वो माया का क्षेत्र है, उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना, यही आध्यात्मिक साधना है। इसीलिए दुर्ग ब्रह्म दृश्यम माया स्यात् इति वेदांत डिंडिमः। तो अपना जो स्वरूप है, मैं कौन है, इसका निर्णय लेने वाला कौन होगा? इसके लिए क्या प्रमाण है? हमारी आंखें ठीक है कि नहीं, इसके लिए क्या प्रमाण है? यदि रूप रंगों को देख सकती है तो आंखें ठीक है। हमारे कान ठीक है कि नहीं, क्या प्रमाण है? हम सुन सकते हैं कि नहीं, तब वही प्रमाण है। माने प्रमाण से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो माया का क्षेत्र है। और मैं हूं अपना जो भान है होने का, इसको हम किससे जानते हैं? इंद्रियों से जानते हैं, मन से जानते हैं, बुद्धि से जानते हैं, किससे जानते हैं? गहरी नींद में ये सब शांत होते हैं, फिर भी अपने अभाव का अनुभव किसी को नहीं आता। यह जो प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। भक्ति की भाषा में जिसको भगवान कहते हैं, योग की भाषा में जिसको परमात्मा कहते हैं, वेदांत में उसी को ब्रह्म कहते हैं। शब्द भिन्न है, अर्थ एक ही है। अविद्योपाधिको जीवो मायाउपाधिक ईश्वरः माया विद्या गुणातीतं ब्रह्म वेदांत डिंडिमः। अब और हमको विचार की प्रक्रिया समझा रहे। अविद्या उपाधिकः जीवः, देखो ये जो हम आपको उदाहरण दे रहे हैं ना, इसको ठीक से समझ लेना, जोक करके छोड़ मत देना। कई बार मुझे ऐसे लगता है कि लोग सोचते हैं कि मैं जोक ही बताता हूं, तत्व नहीं बता रहा हूं। हमारे एक कैवल्य धाम लोनावला की एक बात है, वहां हमारा कोई कैंप चल रहा था, सोल एंड बियॉन्ड वो टॉपिक था। वहां हमने तीन लिए थे, बॉडी एंड बियॉन्ड, माइंड एंड बियॉन्ड, सोल एंड बियॉन्ड। तो तीन सेशन चलते रहे 7-7 दिन के। तो जब ये सोल एंड बियॉन्ड का चल रहा था तो उस समय फ्लोटिंग पॉपुलेशन काफी आती है वहां बीमार लोग, तो एक अम्मा आके बैठती थी। दूसरे दिन के बाद उसने कहा, स्वामी जी आपको क्या हो गया? मैंने कुछ नहीं, खांसी खुशी से चलती है। बोले खांसी नहीं, फिर क्या? आप जोक नहीं बता रहे। माने उस महारानी ने यही समझ लिया था कि मैं जोकर हूं, तत्व की बात नहीं कर रहा हूं। देखो संतो, इससे अपने आप को बचाओ, ये बात नहीं है। तो हमने जो आपको उदाहरण दिया था वो ऐसा है, एक ही आदमी अपने पिता की उपाधि को धारण करता है तो पुत्र, वही आदमी अपने पुत्र के उपाधि को धारण करता है तो पिता। तो एक ही आदमी एक ही समय पिता भी है पुत्र भी है, तो क्या वो दो बन गया? देखो उपाधि के कारण दो लगते हैं। इसी प्रकार से पंचकोशों की उपाधि से परमात्मा जब प्रकट होता है तब उस प्रकटीकरण को जीव कहते हैं। जीव यह व्यक्ति नहीं है, ये बात समझ लो आप, तो भगवान पर बड़ी कृपा होगी। जीव व्यक्ति नहीं है, वो अभिव्यक्ति है। जैसे बल्ब में प्रकाश व्यक्ति नहीं है, बल्ब में जो प्रकाश है अभिव्यक्ति है। मन जब इंद्रियों से प्रकट होता है दृष्टि श्रवण शक्ति इत्यादि रूप में, तो दृष्टि श्रवण शक्ति व्यक्ति थोड़ी है, यह अभिव्यक्ति है। उसी प्रकार से परमात्मा का
पंचकोशों से प्रकटीकरण, उसको कहते हैं जीव। जीव यह सिद्धांत है, फिनामिना है, प्रकटीकरण है, व्यक्तित्व नहीं है। तो उसको कहते हैं अविद्योपाधिको जीवः। तो जीव यह एकमात्र है, अनेक नहीं है। देखो संतो, लेकिन ये समझने के लिए बड़ा आसान होता है। लाइक एज मेनी शूज सो मेनी सोल्स, सिमिलरली एज मेनी बॉडी सो मेनी सोल्स। स्पेलिंग कुछ भी कर लो, है सब जूते उठाओ। देखो संतो, एक ही परमात्मा सब में प्रकट हो रहा है। देखो कैसा, हमने पहले दिन आपको एक उदाहरण दिया था। एक सज्जन एक कमरे में गए और हमको पूछा, स्वामी जी मुझे कुछ ऐसा बताओ कि फट से सब समझ में आ जाए। हमने कहा ठीक है, वो लाइट ऑफ कर दो। उन्होंने लाइट ऑफ कर दिया। हमने आपको कोई दिख रहा क्या? बोले कुछ नहीं दिख रहा। मैंने अंधकार में आंखें खोल के खड़े रहो, आंखें खोल के खड़े रहे। कोई दिख रहा है? नहीं। लेकिन तुम देख तो रहे ना? हाँ देख तो रहा हूं। कोई दिख रहा है? नहीं। तो तुम देखने वाले हो सकते हो क्या? बोले नहीं। जब कुछ दिखता ही नहीं तो मैं देखने वाला कैसा हूं? तो फिर क्या है? हमने कहा जहां देखना हो रहा है लेकिन देखा गया और देखने वाला पैदा नहीं हुआ, वही परमात्मा है। देखो, अब देखो आगे आगे की बात। हमने उनको कहा स्विच ऑन करो, स्विच ऑन किया। फिर हम दो मिनट चुप बैठे, वो भी शांत खड़े रहे। फिर हमने कहा लाइट को ऑन करने के बाद आपने क्या देखा? तो बोले ये कमरे के फर्नीचर को देखा, आपको देखा। हमने कहा ये फर्क होता है आध्यात्म की दृष्टि में और संसार के दृष्टि में। हमारा ध्यान इस दुनिया की तरफ है, तुम्हारा ध्यान इस कमरे के फर्नीचर के तरफ है। ये फर्नीचर जिस प्रकाश में दिख रहा है उस बल्ब के प्रकाश की तरफ तुम्हारा ध्यान है, और यदि उसके तरफ भी ध्यान चला जाए तो इस बल्ब में प्रकाश के रूप में जो प्रकट हो रही है उस बिजली की तरफ कभी ध्यान जाता है? देखो, जहां हमारा देह के साथ तादात में हो गया, दुनिया के फर्नीचर की तरफ हम दौड़ते हैं। जिनके कारण ये फर्नीचर की सत्ता है उन इंद्रियों की तरफ कहां ध्यान देते हैं? और जब इंद्रिय खराब होने लग जाते हैं तो हम इंद्रियों की तरफ ध्यान देते हैं। जो मन इनसे प्रकट हो रहा है उस मन की तरफ कहां ध्यान है? और ये जब मन विक्षेपित होता है तो ये मन जिसकी अभिव्यक्ति है उस परमात्मा की तरफ हमारा ध्यान कहां जाएगा? देखो, ये अनेक से एक की ओर चलने का जो मार्ग है वो है इति वेदांत डिंडिमः। यह वेदांत की साधना है। देखो संतो, अविद्योपाधिको जीवः, लेकिन यह व्यक्ति जो दुनिया में फंसा है उसी को जीव कहते हैं। जैसे जिसने शादी करी है उसी को पति कहते हैं, जिसने शादी नहीं करी उसको पति नहीं कह सकते। भले वो राष्ट्रपति हो सकता है लेकिन व्यक्तिगत पति नहीं हो सकता। तो अविद्योपाधिको जीवः, मायोपाधिक ईश्वरः। अब दूसरी बात, एक ही समय हम जीव भी है, ईश्वर भी है और ब्रह्म भी है, तीनों। देखो कैसे, परमात्मा उपाधि से प्रकट हो रहा है, इन इंद्रिय मन बुद्धि के प्रभाव में आकर के जो जीवन है वो जीव है। इस देह से प्रकट होते हुए भी इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा जो प्रभावित नहीं हो रहा है बल्कि उसमें से प्रकट हो रहा है प्रभावित न हो करके, वो ईश्वर है। देखो, तो ईश्वर कौन है? जिसका सब पर कंट्रोल है। तो जब हम खाने को बैठते हैं, खाना नहीं चाहिए लेकिन अच्छा बनाया, एक दो ही दो कचोरी,
अपने पर जीरो नियंत्रण। तो जब हम अपने इंद्रिय मन बुद्धि को नियंत्रण में रखते हैं वही ऐश्वर्य है, जब उसके पंजे में आ गए वही जीव है। इसीलिए अविद्योपाधि को जीवहा मायोपाधि का ईश्वरहा, तो ईश्वर निर्मित निर्माता है, जीव निर्मित है। तो जब हम अपने आप को पुत्र के रूप में ग्रहण करते हैं तो हम निर्मित है, हम जीव हो गए। तो हम अपने आप को पिता के रूप में ग्रहण करते हैं तो हम ईश्वर हो गए। तो एक ही आदमी दोनों है, जीव भी ईश्वर भी, यदि उस उपाधियों के द्वारा प्रभावित हो रहा हो या न हो रहा हो। इसीलिए माया विद्या गुणातीतम ब्रह्म, तो परमात्मा क्या है? परमात्मा सबसे प्रकट हो रहा है लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं हो रहा है। देखो संतो, उसको कहते हैं ब्रह्म। माया विद्या गुणातीतम ब्रह्म वेदांत डिंडिमः, ये सब की सब साधना बड़ी सिंपल है संतो। कल हमने आपको एक टेक्निक बताई थी, लिसन टू साइलेंस। शांति को सुनो, अब इसमें एक और जोड़ लो, शांति को सुनो और अपने आप से बोलना बंद करो। वापस आ जाओ, सोना मत। जिनको अभ्यास नहीं होता ना शांत रहने का, वो ध्यान के लिए बैठते हैं और सो जाते हैं, उनका मेडिटेशन झटका मेडिटेशन होता है। क्योंकि हम दो ही चीज जानते हैं, या तो मन विक्षेपित है या तो मन सो रहा है। मन शांत है ये कहां देखा? इसीलिए दो चीजों पर ध्यान रखें। तो माया विद्या गुणातीतम ब्रह्म, जब अपने से बोलना बंद करते हैं तो कर्मेंद्रिय शांत हो गया, जब शांति को सुनना प्रयत्न करते हैं तो ज्ञानेंद्रिय शांत हो गया। देखो ये दोनों के अभाव में जो है वो परमात्मा है, उसी को कहते हैं ब्रह्म। इति वेदांत डिंडिमः, साकारं च निराकारं निर्गुणं च गुणात्मकं तत्त्वं तत्परं ब्रह्म इति वेदांत डिंडिमः। साकारं च निराकारं निर्गुणं च गुणात्मकं। देखो हमारे शास्त्रों में परमात्मा के बारे में बताया है, बहुत सिंपल है। परमात्मा निर्गुण निराकार है, परमात्मा सगुण निराकार है, परमात्मा सगुण साकार है, और फिर भी इन सब से परे है। इसी को कहते हैं तुरीय तत्व। देखो जैसे हमारा देह के साथ तादात्म्य है तो सगुण साकार हो गए, उसके बाद हमारा अपने अनुभूतियों से तादात्म्य है, सुख दुख लाभ हानि, तो वो सगुण है लेकिन सुख दुख लाभ हानि का कोई आकार नहीं। देखो, और तीसरी बात, सुषुप्ति अवस्था में आनंदमय कोश में ना वहां सगुण साकार है ना सगुण निराकार है, वहां निर्गुण निराकार है। और ये सब का सब नाटक जिस अधिष्ठान पर चल रहा है वो सबका अधिष्ठान होते हुए भी किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, उसी को कहते हैं यह तुरीय तत्व है। तुरीय का अर्थ चौथा नहीं, तुरीय का अर्थ एकमात्र। यदि आप संस्कृत के व्याकरण के अनुसार लोगे तो तुरीय का अर्थ चार होता है,
वेदांत में उसका वो अर्थ नहीं है। देखो, मैं पुत्र, मैं पति, मैं पिता और मैं आदमी, तो क्या ये आदमी चौथा है? एक ही आदमी उपाधि के कारण तीन प्रकार से कहां जाता है, लेकिन है तो एक ही। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्थूल देह के साथ तादात्म्य, सूक्ष्म देह के साथ तादात्म्य और कारण देह के साथ तादात्म्य के कारण उसी को विश्व तेजस और प्राज्ञ कहा जाता है, उसी को जागृत पुरुष, स्वप्न पुरुष, सुषुप्त पुरुष कहा जाता है। तो उपाधि के कारण अनेकता प्रतीत होती है, असल में नहीं होती। और देखो कितनी विडंबना है, जो नहीं है वो दुखी हो रहा है, उसको आप कैसे ठीक करोगे? देखो जैसे इस दुनिया में दो प्रकार के दुख हैं, होने का दुख और नहीं होने का दुख। जिनको बच्चे नहीं है वो दुखी है, क्योंकि बच्चे नहीं है इसलिए। हमारे दशरथ जी महाराज दुखी थे, पुत्र नहीं, पुत्र नहीं, पुत्र नहीं, पता नहीं क्या मिस्टेक है, पुत्र नहीं। तो उन्होंने फिर कामिष्टिक यज्ञ किया, क्या मिस्टेक है, वो यज्ञ है, वो यज्ञ किया और फिर पुत्र हो गए। अब मुझे बताओ, पुत्र होने के बाद दशरथ जी सुखी रहे क्या? देखो तो दुख दो प्रकार के, होने का, नहीं होने का। जहां हमने समझ लिया ये दुख जिसको हो रहा है वो है ही नहीं, तो काहे को दुखी होना, उसी का तो दुख है, कुछ है नहीं। देखो संतो, इसीलिए यह जो माता पिता, भाई बहन, बाप माँ या पति पत्नी पुत्र, इनको लेकर के कभी दुखी मत होना। फिर क्या करें, उनकी जितनी हो सके सेवा करो, दुखी मत होना, यही अध्यात्म है। अन्यथा हम इसी जगत में फंसे रहेंगे, साकारम च निराकारम निर्गुणम च गुणात्मकम। एक जगह की बात है मध्य प्रदेश की, एक वहां पता नहीं मैंने आपको बताया था, मुझे याद नहीं रहता मैंने कहां कौन सी ब्लफ मारी है। एक छोटा सा बच्चा था, वो अपने दादी के साथ बड़ा चिपक के रहता था। जब वो छोटा था, 6 महीने का 8 महीने का साल का, तो ठीक था, दूध दादी के हाथ से पिएगा, खाना दादी के हाथ से खाएगा, नहलाएगा उसी के हाथ से, माँ अपनी माँ को हाथ नहीं लगाने देता था। और वो बच्चा बड़ा होता गया, होता गया, 2-3 साल 4 साल 5 साल 8 साल दादी के साथ ही सोएगा, दादी के साथ ही बैठेगा, उसी के हाथ से खाना खाएगा और वो दादी को डिक्टेट करेगा, तुमने आज कौन सी साड़ी पहनी है, ये क्यों पहनी, नहीं दूसरी पहनो। और वो दादी वहां परेशान हो गई, ये क्या हो रहा है, अभी इतना बड़ा हो गया, मैं यदि किसी से बात करती हूँ वो कहती है नहीं उससे बात मत करना, वो आदमी खराब है। छोटा सा लड़का 7-8 साल का ऐसा क्यों कह रहा? फिर वो किसी पंडितों के पास गए, पूजा अर्चा करी, तो उन्होंने कहा कि हम आपको बताते हैं, ये आपके पतिदेव आपके घर में पोते के रूप में आए हैं। देखो इतने चिपक चिपक के रहते हैं, इसीलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। देखो महाराज, अपने आप को इस दुनिया से बचाओ, अन्यथा इसी में फंसे रहेंगे। साकारम च निराकारम निर्गुणम च गुणात्मकम। तो जब नाम रूप का आधार लेते हैं तब उस ब्रह्म को जगत कहते हैं, जब अनुभव लेने वाले का आधार लेते हैं तब उसको जीव कहते हैं, वही जीव ब्रह्म है। और निर्गुणम जो इन दोनों का निर्माता, इनके परे है, उसको ईश्वर कहते हैं। तो एक ही परमात्मा जीव जगत ईश्वर में प्रकट हो रहा है, और तत्वम तत्परम ब्रह्म, पर इनका जो तत्व है इन सब के परे है। इसको ऐसा समझो, क्रिकेट की मैच तो आप देखते हो, क्रिकेट के मैच में 4 बातें होती है, एक बैटिंग की टीम, एक होती है फील्डिंग की या बॉलिंग करने वाली, तीसरा होता है अंपायर और चौथा होता है ग्राउंड। 4 बातें हो गई।
अब समझो बैटिंग करने वाले टीम ने वॉक ओवर दे दिया, नहीं यार इनके बॉलर बड़े खतरनाक है, मार देंगे अपने को, हम नहीं खेलते, उन्होंने वॉक ओवर दे दिया। यदि बैटिंग करने वाली टीम नहीं हो तो फील्डिंग करने वाली टीम को वहां रहने की जरूरत है क्या? अब ये दोनों टीमें चली गई तो वहां अंपायर क्या मूंगफली खाएगा? ये सब के सब चले गए तो ग्राउंड को कुछ हानि है? ग्राउंड तो ज्यों का त्यों है। देखो तो इसमें बैटिंग करने वाली टीम जीव है, बॉलिंग करने वाली टीम जो है वो जगत है, ईश्वर अंपायर है। जब किसी ने बढ़िया छक्का मारा तो अंपायर एप्रिशिएट नहीं करता, बताता है छक्का है बस। किसी ने बढ़िया गुड लेंथ बॉलिंग करी है तो अंपायर एप्रिशिएट नहीं करता, गुड बॉल, लेकिन गलती करता है तो नो बॉल बताता है। तो ये जीव जगत ईश्वर इसी प्रकार से है। और ये सब के सब जब निकल गए, बैटिंग वाली टीम, बॉलिंग वाली टीम, अंपायर, सब के सब निकल गए, ग्राउंड ज्यों का त्यों, जीव जगत ईश्वर गायब हो गए, ब्रह्म ज्यों का त्यों। हमारे पिताजी मर गए तो पुत्र कहां गया जो हमें पुत्र था? हमारी पत्नी मर गई तो मैं जो पति था वो पति कहां गया? हमारा पुत्र मर गया तो मैं जो पिता था वो पिता कहां गया? वो कहीं तब जाते ना जब हो। फिर मैंने सोचा एक पत्नी मरी तो कोई बात नहीं, दूसरे से शादी करते। दूसरे से शादी करी, फिर दूसरी पत्नी आ गई, फिर मैं पति बना, उसने भी धोखा दिया, फिर भी मैंने छोड़ी नहीं हिम्मत, तीसरे बार ट्राई मारा, मैं तीसरे बार पति बन गया। तो ये पहला पति, दूसरा पति, तीसरा पति, ये तीन पति एक है कि अलग अलग है? सोचो संतो, तब आपको पता चलेगा ये रिश्ते नाते केवल भ्रांति मात्र है, वो औपाधिक है। इनसे छूटने का एक ही रास्ता है, इनको औपाधिक रूप से ही स्वीकार करें, इससे आगे ना बढ़े। देखो एक जन्म में मैं लड़की था, तो मेरी शादी हो गई तो अपने हिंदुस्तानियों के जैसा बाय वन मैट्रेस गेट टू पिलोज फ्री। एक लड़के से शादी कर लो और इन लॉज फ्री। जो चीज फ्री में मिलती है वो इन्वेंट्री को घटाने के लिए होती है, वो घटिया होती है। तो मैंने शादी करी उस लड़के के साथ और उसके साथ मुझे दहेज में ये सास ससुर आ गए। अब मैं सास ससुर से बड़ी परेशान थी, बहुत ही खड़ूस थे दोनों। तो मैं सोच रही थी कि क्या करूं क्या करूं। बड़ी भगवान से प्रार्थना करी, पूजा करी, पोथी करी, भगवान इनको उठाओ इनको उठाओ, लेकिन भगवान ने मेरी बात सुनी ही नहीं। तो फिर मुझे ज्ञान हुआ, अरे यार ये मेरे जीवन में कैसे आए, इस बेवकूफ से शादी करी इसलिए। फिर मैंने उस पति से डाइवोर्स ले लिया। जैसे मैंने पति को छोड़ दिया, उस सास ससुर का त्याग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हमारा इस देह के साथ विवाह हो गया है, इसी के कारण ये सब ससुरे खड़े हो गए। इस देह के साथ डाइवोर्स ले लो महाराज, और कुछ नहीं करना है। और ये केवल समझदारी से हो सकता है। समझदारी यही है, देह हमने निर्माण नहीं किया। हम भले कहे आई एम ए सेल्फ मेड मैन, देह हमारा निर्मित नहीं है, आप कितने भी सेल्फ मेड हो। देह हमारी एक बात नहीं मानता, फिर भी मैं देह हूं, बेवकूफी की पराकाष्ठा। और इस मूर्खता के कारण हम सब दुखी होते हैं। इसीलिए संतो, तत्त्वम तत्परम ब्रह्म, उस परमात्मा को यदि आत्म रूप से पहचानना है तो ये कचरे को हटाओ, एक एक करके हटाओ।
और ऐसे स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जिसका त्याग नहीं किया जा सकता, अत्याज्य अहेय वही अपना स्वरूप है। हम ये तो कहते हैं कि जब तक मैं मुझे अनुभव नहीं आता तब तक मैं विश्वास नहीं रखता। अच्छा, अब देखो आप अपने अनुभव को देखो, आपको अपने जन्म का अनुभव है क्या? किसी को भी नहीं। कोई कहता है कि तुम्हारा जन्म इस तारीख को इतने बजे हुआ था, देखा है कहां से टपके? देखो, और फिर किसी को भी बढ़ने का अनुभव नहीं होता। शरीर बढ़ता है, बुढ़ाओ लोगों का एक स्टैंडर्ड जोक है, स्वामी जी टेल मी व्हाट इज माय एज, एक बुढ़ा ने मुझे पूछा था कलकत्ते में, तो मैंने उनके तरफ देखा, मैंने कहा 3 साल के हो? बोले नहीं नहीं नहीं, मजाक मत करो, सच सच बताओ। फिर मैंने उनको कहा यू आर 81 ईयर्स, और मैं जानबूझ के चुप हो गया, मुझे मालूम है वो क्या बोलने वाला था। दे डोंट लाइक टू बी कॉल्ड 81 ईयर्स ओल्ड, जोक मारते हैं। आई एम 81 ईयर्स यंग, ये यूथ जो है वो मन में है, बुढ़ाओ की बॉडी हिल रही है। देखो महाराज, व्यक्ति का मन पर काल का प्रभाव नहीं होता, देह पर होता है। मन पर इसलिए प्रभाव नहीं होता, मन नाम की कोई वस्तु है तब ना। देखो जब ये बल्ब फ्यूज हो जाता है तो इसमें का लाइट कहां जाता है? ये कहीं तब जाएगा जब हो तब ना। देखो जैसे जैसे इन विचारों की सूक्ष्मता बढ़ती है तब पता चलता है, ना तो ये देह हमने बनाया है, ना तो देह हमारी बात मानता है, और फिर भी मैं देह हूं। तो असली आध्यात्मिक साधना राम 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 करने से नहीं है। असली आध्यात्मिक साधना ये है, रोज 10-15 मिनट बैठो और ये खेलना शुरू करो। डोंट डू मेडिटेशन, खेलना शुरू करो। देह से अन्य होने का अनुभव कैसा होगा? खेलो, मैं देह से अन्य हूं, माने क्या? अब तुम खेलो, ट्राई करो। देह से अन्य माने जो देह के गुणधर्म है वो मेरे नहीं है। जैसे इस पुस्तक से मैं अन्य हूं तो ये पुस्तक के गुणधर्म मेरे नहीं है, ये आकार मेरा नहीं है। तो देह से अन्य का तात्पर्य क्या हो गया? देह को आकार है, तो बिना आकार का होना कैसे होगा? नाउ प्ले हाउ इट इज लाइक बीइंग फॉर्मलेस। इन फॉर्मलेस क्या है? तो फॉर्मलेस आकाश है। अच्छा, अब हम आकाश आकाश खेलते हैं, आकाश का अनुभव कैसा होता होगा? आकाश सभी आकारों का आधार है लेकिन किसी भी आकार से प्रभावित नहीं। आकार अनेक है, आकाश एक है। आकार का जन्म विकार और नाश है, आकाश का जन्म विकार और नाश नहीं। तो जिसका जन्म विकार और नाश नहीं, क्या ये अपना अनुभव नहीं है? क्या हमको अपने जन्म का अनुभव है? क्या हमको अपने विकारों का अनुभव है? क्या हमको अपने मृत्यु का अभाव का अनुभव है? यही तो अपना स्वरूप है। तत्त्वम तत् परम ब्रह्म इति वेदांत डिंडिमा।
देखो संतो, ये इतना सहज है, इतना सरल है, इस पे कोई परेशानी नहीं है। ना कुछ करना है, ना कुछ पाना है, ना कुछ खोना है। कुछ पाना इसलिए नहीं कि हम वो है ही, कुछ खोना इसलिए नहीं कि कुछ था ही नहीं अपना, और फिर भी खाली फीली परेशान हो रहे। कारण क्या है? राणा प्रताप बन गए। राणा प्रताप कैसे दुखी हो गया था? वैसे। इसलिए द्विजत्वं विद्यद् अनुष्ठानात् विप्रत्वं वेद पाठतः ब्रह्मण्यं ब्रह्म विज्ञानात् इति वेदांत डिंडिमः। द्विजत्वं विधि अनुष्ठानात्। देखो मनुष्य स्मृति में कहते हैं, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारा द्विज उच्यते वेदाभ्यासी भवेद् विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। चार स्टेज है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो शूद्र किसको कहते हैं? जन्मना जायते शूद्रः। बाय बर्थ वी आर ऑल शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट कौन है? जो देहात्म भाव से जीता है वो शेड्यूल कास्ट। और उदाहरण दे दो, गवर्नमेंट सर्वेंट। हाँ, ये सिंपल है। गवर्नमेंट सर्वेंट की पराकाष्ठा क्या हो सकती है? 30 days शुड बी पे डेज एंड 30 days शुड बी छुट्टी। हाँ, फिर अच्छा है। देखो महाराज, तो जन्म ना जायते शूद्र, देहात्म भाव से रहते हैं। फिर संस्कारा द्विज उच्च, द्विज माने दूसरे बार जन्म। तो संस्कार होते हैं, यज्ञोपवीत का है, कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे खाना खाना, बाया हाथ से क्या उठाना, दाहिने हाथ से क्या उठाना, हर चीज सीखनी पड़ती है। तो धीरे धीरे संस्कार हो गए, फिर यज्ञोपवीत हो गया, फिर गायत्री का जप हो गया, संस्कार से द्विज हो गए। उसके पश्चात तीसरी बात आती है, वेदाभ्यासी भवित विप्रहा। फिर हमने वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू कर दिया, सत्संग में जाना शुरू कर दिया, फिर हम विप्र हो गए। और फिर केवल पढ़ के वही नहीं रहे, फिर उस तत्व को अपने में, अनुभूति में उतारा, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। यहां कहते हैं द्विजत्वं विद्धि अनुष्ठानात्। हम पैदाइशी तो सभी केवल शूद्र ही है, लेकिन पहले जीवन में अनुष्ठान लाना है। ध्यान से सुनना, यदि हमको कुछ रियली करना हो जीवन में तो अनुष्ठान लेना पड़ता है। देखो एक उदाहरण बताया आपको, यदि आप ऐसी कल्पना करो कि टाइम मिलेगा तो मैं गीता का पाठ करूंगा, या टाइम मिलेगा तो मैं पतंजलि योग दर्शन का अध्ययन करूंगा, मैं गारंटी देता हूं आपको टाइम कभी नहीं मिलेगा। आपको अनुष्ठान लेना है। देखो अनुष्ठान ये लेना है, जैसे ये पारायण करते हैं ना, ये अनुष्ठान, ये उपासना करने वाले लोग, गुरु चरित्र का पारायण करना है। उसमें हमारे जैसे कहेंगे टाइम मिलेगा तो पढ़ेंगे, तो जिंदगी भर नहीं पढ़ पाओगे। और ये जो अनुष्ठान करने वाले हैं वो नियम बना लेते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, 7 दिन में पूरा करेंगे। तो जहां हमने जीवन में अनुष्ठान को आह्वान किया है, हम में द्विजत्व, फिर हमारा एक साधक के रूप में जन्म हो गया है। साधक हमेशा अनुष्ठान रूप से जीता है। संसारी वो है, टाइम मिलेगा तो करेंगे, माने उनको इंटरेस्ट कहाँ है। इसीलिए द्विजत्वम विद्धि अनुष्ठानार विप्रत्वम वेद पाठतः। और फिर ऐसा जीवन जब डिसिप्लिन हो गया, तब जाकर के आप शास्त्रों का अध्ययन ठीक से कर सकते हैं। फिर वेद पाठतः विप्रत्वम और ब्रह्मण्यम ब्रह्म विज्ञानार, और उसके पश्चात हमने सब कुछ पढ़ लिया, समझ लिया, अब केवल अनुभूति की बाकी है। तो मालूम नहीं, श्रवण करो। मालूम हो गया लेकिन उसमें संशय है, मनन करो। अब मनन भी नहीं है लेकिन कभी कभी मन लगता है, कभी कभी मन नहीं लगता, क्या करें? उसके लिए निधिध्यासन। निधिध्यासन का तात्पर्य है मेडिटेशन नहीं, निधिध्यासन का तात्पर्य है, तुलसीदास जी लिखते हैं, कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभी ही प्रिय जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे लोभी व्यक्ति
हमेशा पैसे के ही बारे में सोचता है और उसका दिमाग और कहीं जा ही नहीं सकता। देखो तो जैसे लोभी व्यक्ति पैसे के प्रति एक तानता से लगा रहता है, ऐसे नहीं कि केवल ऑफिस आवर्स में हम रिश्वत लेते हैं, बाद में भी चलेगी एक तानत्व, उसको कहते निधिध्यासन। उसी प्रकार से अपने जीवन के चलने में यही एक धारणा है कि कस्त्वम को हम कुतमा याता कामे जननी को मेताता, इसमें लगे रहो मुन्ना भाई, तब जाकर के ब्रह्मण्यम ब्रह्म विज्ञानात, जब ये एक तानता आ जाएगी, निधि ध्यासन आ जाएगा, तो आपको हर अनुभूति में परमात्मा का प्राकट्य दिखेगा, हर अनुभूति में। अभी देखो हम ये ठक ठक करेंगे, उस समय आप बड़ी सूक्ष्मता से इस ठक को सुनो और ये ठक सुनना कहां हो रहा है उसको पकड़ने का प्रयत्न करो। जब ये ठक ठक की आवाज आ रही थी और जब आवाज नहीं आ रही थी, आप में कुछ फर्क पड़ा? जो कहते हो यह जो किसी के भी भाव और अभाव दोनों को प्रकाशित करता है, इसीलिए दोनों के परे है, वही अपना स्वरूप है। देखो हर अनुभूति में ये दो विकल्प आते हैं, है या नहीं है। जो है और नहीं है, इन दोनों विकल्पों का आधार है, इन दोनों विकल्पों के परे है, इसको हमको ग्रहण करना है। लेकिन क्या हो जाता है, शब्दों में फंस गए। देखो और दूसरे वो होते हैं शब्दों के अभाव में फंस जाते हैं, शांति रखो यार, मेडिटेशन चल रहा समझ में नहीं आता, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस टेक ए डिटूर, बाहर में एकदम स्मशान शांति होगी और अंदर में तूफान चल रहा होगा, पता नहीं कब खत्म होता है, कब से बैठे। एक बार अपने बद्रीनाथ की बात है, हमारे वहां चार कैंप थे एक के बाद एक, बहुत पुरानी बात है, एक कैंप के बाद एक दिन की छुट्टी, फिर दूसरा कैंप होता था क्योंकि कैंपर्स अलग अलग होते थे। तो जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन हम अपने कमरे के बाहर नहीं निकलते थे, कमरे में बैठते थे। तो जब हम अंदर बैठे थे अपने बिस्तर पर, तो एक अम्माई खटखटाई, बोले स्वामी जी ये क्या है, अकेले अकेले मेडिटेशन कर रहे, हमारे साथ करो। राम, ये माताएं कुछ भी कह सकती है। तो मुझे बाहर खींच के ले गई और सब लोग बैठे हुए, स्वामी जी अब हमारे साथ मेडिटेशन करो। अब हम ठीक है, हम फिर बैठ गए शांत होकर के, और 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, एक घंटा हो गया, सवा घंटा हो गया। उस अम्मा को परेशानी, मेरे कान में आके कहे स्वामी जी अब बहुत हो गया, बदन बंद करो, बंद करो, कहीं कुछ हो ना जाए, बंद करो। देखो आप हंस सकते हो, मैं हंस भी नहीं सका। देखो महाराज, ये मेडिटेशन नहीं होता। चाहे दुनिया में आग लगे, चाहे तूफान आ जाए, अपना संतुलन बना रहता है। जैसे आकाश का संतुलन कभी बिगड़ता नहीं, पृथ्वी के भटकने से आकाश को गुदगुदी नहीं होती, पानी के तूफान आने से आकाश गीला नहीं होता, प्रचंड आग लगने से आकाश जलता नहीं, और हवा के झोंकों से आकाश सूखता नहीं। यह जो भूताकाश है, इस पर भूत मात्र का प्रभाव नहीं,
इसी प्रकार से ये जो चित्ताकाश है उस पर वृत्तियों का प्रभाव नहीं, उसी प्रकार से चिदाकाश पर व्यक्तित्व का प्रभाव नहीं है। ये तीन आकाश है, जागृत अवस्था का भूताकाश, स्वप्नावस्था का चित्ताकाश और सुषुप्ति अवस्था का चिदाकाश। किसी के भी होने न होने का जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो है सत्य। इति वेदांत डिंडिमः ब्रह्मण्यम ब्रह्म विज्ञानात् इति वेदांत डिंडिमः। इसीलिए पहले शब्दों का अर्थ ग्रहण करें, फिर शब्दों का त्याग करें, फिर अर्थ को ग्रहण करें, फिर अर्थ का त्याग करें और फिर जिसका त्याग नहीं हो सकता वहां पहुंच जाए, तो पता चलेगा हमने अभी तक कोई भी स्थान कॉन्कर नहीं किया है। समर्थ रामदास स्वामी के एक अभंग में हमने पढ़ा कहीं, वो कहते हैं गुरु महाराज की कृपा से हमने भवन नदी पार कर ली और बड़े खुश हो गए, और गुरु महाराज को थैंक यू करने के लिए जब पीछे मुड़ के देखा ना वहां गुरु महाराज थे ना वहां नदी थी, मैं जहां के वहीं था। देखो महाराज, ना कहीं पहुंचना है, ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है। आकाश में सब आना जाना है, आकाश कहीं आता जाता नहीं। हम में ही बचपना आया चला गया, जवानी आई चली गई, मध्यम एज आया वो भी चला गया, बुढ़ापा आया वो भी चला जाएगा, हम ज्यों के त्यों। जब ये शरीर की तीन अवस्थाएं चली गई तो हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये जो वृद्धावस्था है शरीर की ये चली जाएगी तो हम पर कौन सा प्रभाव पड़ने वाला है महाराज। देखो हम कहते तो हैं भगवान के बड़े भगत है और डरते रहते पता नहीं मरने के बाद क्या होगा, पहले मरो तो सही लोग खुशी मनाएंगे। देखो महाराज, अध्यात्म के क्षेत्र में आकर के डर डर के रहना, रोना धोना, ये अध्यात्म नहीं है, ये उपासना है। और फिर लंबा जितना नमस्कार होगा घंटे भर का उतनी लिस्ट लंबी होती है, भगवान ये कर दो वो कर दो वैसा कर दो वैसा कर दो ये कर दो वो कर दो ये कर दो, और फिर उठ जाते अरे एक तो भूल ही गया, फिर दूसरा नमस्कार। ये मांगना बंद करो तो ऐसा जो परमात्मा तत्व है, सर्वात्मना स्थितम ब्रह्म सर्वम ब्रह्मात्मना स्थितम न कार्यम कारणात् भिन्नम इति वेदांत डिंडिमः। इसको कहते हैं इस जगत का उपादान कारण परमात्मा है। जैसे पानी ही समुद्र कहलाता है, पानी ही लहर कहलाता है, और जब हमारा ध्यान समुद्र की तरफ होता है पानी की तरफ नहीं तो हम समुद्र को कारण कहते हैं, और जब हमारा ध्यान पानी की तरफ नहीं होता लहरों की तरफ होता है तब हम लहरों को कार्य कहते हैं। तो जो कारण है कार्य है इसी में फंसे रहते हैं। तो पहली स्टेप ये है, यदि सभी के सभी सुवर्ण के आभूषण है तो सब में सुवर्ण ही होगा, सुवर्ण निकाल डालो तो वहां आभूषण नहीं रहेंगे। एक बार की बात है, उस दिन के बाद हम ये उदाहरण कभी नहीं देते, ये उदाहरण उपनिषद में आता है लेकिन हम नहीं देते। मिट्टी के बर्तन से मिट्टी निकाल दो, एक जगह हम बता रहे थे उदाहरण, और एक बड़े सीरियस बुढ़ाओ सामने बैठकर के सुन रहे थे। मिट्टी के बर्तन से मिट्टी निकाल दो तो क्या रहेगा, इन प्रश्न का उत्तर थोड़ी देना है, हम ही देंगे ना। तो सामने बोलने वाले बैठे वाले बुढ़ाओं के लिए बोले बर्तन साफ रहेगा। उस दिन के बाद में देखा अब ये मिट्टी के बर्तन से कभी मिट्टी का उदाहरण नहीं देना।
उनका कहना ठीक था, मिट्टी के बर्तन से मिट्टी निकाल दो तो साफ बर्तन रहेगा। अरे राम राम, देखो अब देखो कितने आनंद है दुनिया में। इसीलिए कहते हैं ना कि आदमी के मूर्खता की कोई लिमिट नहीं है, इट इज अनलिमिटेड। तो सर्वात्मना स्थितम ब्रह्म सर्वम ब्रह्मात्मना स्थितम, एक ही परमात्मा नाम रूप की उपाधि चढ़ा दी तो जगत कहा, पंचकोशों की उपाधि चढ़ा दी तो जीव कहा, माया की उपाधि को चढ़ा दिया तो ईश्वर कहा, लेकिन एक ही परमात्मा सब कुछ है। ध्यान से सुनना, दो प्रकार के विचार आते हैं शास्त्रों में। या तो जगत को मिथ्या के रूप में स्वीकार करके जियो, या तो जगत को परमात्मा स्वरूप लेकर के जियो। देखो दोनों का तात्पर्य एक ही होगा। यदि हम जगत को मिथ्या है करके स्वीकार करेंगे, मिथ्या वस्तु की इच्छा नहीं होती। देखो आकाश में हम इंद्रधनुष देखते हैं, कभी किसके मन में इच्छा होती है क्या कि मम्मी मम्मी इंद्रधनुष लेके चलो ना अपने घर? नहीं, क्योंकि वो मिथ्या है। उसी प्रकार से जब हम मृग जल देखते हैं, मृग तृष्णा मिराज वाटर्स, तो कभी ऐसे मन में आता है कि विचार चलो पानी की बड़ी समस्या है, मिराज वाटर्स को हार्वेस्ट करेंगे, फिर उसको पोर्टेबल बना करके बेचेंगे, क्योंकि मिराज वाटर इज एन इल्यूजन, देयर फोर वी डोंट वॉन्ट टू वर्क ऑन इट। इसी प्रकार से इस जगत को यदि हम मिथ्या के रूप में स्वीकार करेंगे तो जगत के प्रति यह जो आकर्षण है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देखो महाराज, अब दूसरी प्रकार से ये जो श्लोक है, सर्वात्मना स्थितम ब्रह्म सर्वम ब्रह्मात्मना स्थितम, सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ परमात्मा ही है, माने उसमें हम भी इंक्लूडेड है। यदि सब कुछ परमात्मा ही है जिसमें हम भी इंक्लूडेड है, माने ध्यान से सुनना, हमको इच्छा हमेशा अन्य की होती है, स्व की इच्छा नहीं होती। देखो मेरे गले में माला नहीं है और मैं किसी की अच्छी सोने की हीरे की माला देखता हूं तो मुझे इच्छा होगी, बहुत अच्छी है माला, कहाँ मिलती है, कितने की मिलती है? स्वामी जी आपको चाहिए ले लो ना। अन्य की इच्छा हो सकती है, स्व की इच्छा नहीं होती। देखो तो यदि मैं भी ब्रह्म हूं, जगत भी ब्रह्म है, ईश्वर भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, तो किसको किसकी इच्छा होगी? जैसे आंखें अन्य को देख सकती है, स्व को नहीं देख सकती। देखो महाराज, वैसे ही मन अन्य के बारे में चिंतन कर सकता है, अपने बारे में चिंतन नहीं कर सकता। जहां मन ने मानसम तो की मार्गणे कृते, ये मन क्या है ऐसा चिंतन शुरू कर दिया, ये मन गायब हो जाता है। देखो तो द्वैत के जगत में रहते समय या तो जगत को मिथ्या करके जियो तो आपके मन में इच्छाओं का तूफान नहीं होगा, या तो परमात्मा स्वरूप से पकड़ लो तो सब मैं ही हूं तो मुझे मेरी इच्छा कभी नहीं होती। इस प्रकार से न कार्यम कारणात् भिन्न इति वेदांत डिंडिमः, सत्ता स्फुरण सौख्यानि भासन्ते सर्व वस्तुषु तस्मात् ब्रह्ममयम् सर्वम् इति वेदांत डिंडिमः, सभी वस्तु जो है उसमें तीन चीजें दिखती है, सच्चिद आनंद, सत्ता स्फुरण और सौख्य, इसको कहते हैं सच्चिद आनंद। सर्व वस्तुषु भासन्ते, सभी में यही बात है। देखो एक संस्कृत में श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, एक भी ऐसा वृक्ष नहीं है कि जिसमें कोई ना कोई औषधि का गुण ना हो, कोई ना कोई औषधि का गुण होता है। उसी प्रकार से एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें मंत्र शक्ति ना हो, लेकिन उस मंत्र शक्ति को जागृत करने की कि माया हमको पता नहीं है। और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दुनिया में कि जिसमें एक भी सद्गुण ना हो, वहां कहते हैं
प्रयुक्ता तत्र दुर्लभा, लेकिन उसको पहचानने वालों की कमी है। इसी प्रकार से यहां कहते हैं सत्ता स्फुरण सौख्यानि, ये जगत में हर एक वस्तु में ये पांच बातें होती है, अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंच अंशकम आद्यत्रयम्। अस्ति भाति प्रिय सत्ता स्फुरण सौख्यानि आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम जगत रूपम तत्वद्वयम् नाम रूप जगत है। इसीलिए सत्ता स्फुरण सौख्यानि भासन्ते सर्व वस्तुषु तस्मात् ब्रह्ममयम् सर्वम्, इसीलिए सब कुछ परमात्मा मात्र है। देखो संतो, शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है। एक जगह में सभी लोग इकट्ठे हो गए और प्रवचनकार ने पूछा, हु वॉन्ट्स चेंज इन द प्रेजेंट सिस्टम, सबने हाथ ऊपर किए। उसके पश्चात फिर कहा, हु वॉन्ट्स टू चेंज फर्स्ट, एक ने भी हाथ नहीं ऊपर किया। देखो, चेंज तो हम चाहते हैं, हम नहीं बदलना चाहते, दूसरा बदले। अध्यात्म में बदलते हम हैं, दुनिया नहीं बदलती। दुनिया इसलिए नहीं बदलती, जो हो तो बदले ना। देखो, इसलिए इस जगत में हर चीज में वही परमात्मा है, सत्ता स्फुरण सौख्यानि। इस दृष्टि को प्रदान करने के लिए उपनिषदों का अध्ययन किया जाता है, वेदांत का। तो जैसे ईशावास्य में ले लीजिए, ईशावास्य में पहला मंत्र का पहला जो चरण है वह दृष्टि प्रदान करती है उपनिषद। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, यत्किंच जगत्याम, इस संपूर्ण जगती में, जगत में जो भी कुछ है, यत्किंच माने जो भी कुछ, ईशावास्यम, सब में परमात्मा ठसाठस भरा हुआ है। ये वाक्य हमारे में कैसा है, हमारी दृष्टि लहरों की तरफ है, तो हम कहेंगे सभी लहरों में समुद्र ठसाठस भरा हुआ है। लेकिन असल में क्या है, असल में लहरें समुद्र में है, समुद्र लहरों में नहीं है। इसी प्रकार से हम कहेंगे सभी समुद्रों में पानी ठसाठस भरा हुआ है, लेकिन असल में क्या है, समुद्र में पानी नहीं है, पानी में समुद्र है। जहां ये दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है वहां परमात्मा का दर्शन होता है। तो ये दृष्टि प्रदान करते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ परमात्मा स्वरूप है। जब परमात्मा स्वरूप स्वीकार कर लिया तो तेन त्यक्तेन वंजी था, जगत के प्रति भोग बुद्धि का त्याग कर दो। लेकिन दूसरी समस्या रहती है, भोग नहीं करेंगे, संग्रह करेंगे। तो मां गृदहा कस्य सिद्धनम, इस दुनिया के प्रति गीदड़ की दृष्टि मत रखो। गीदड़ कैसी होती है, ऊपर आकाश में चली गई, लेकिन उसका ध्यान कहां रहता है, कहां मरे हुए जानवर पड़े हुए वहीं उसका ध्यान रहता है। बड़ी साधना कर रहे हैं और बड़ी सब कुछ चल रहा है, लेकिन फंसे हैं पुत्र में, समाज में, आश्रम में। देखो, इसीलिए महाराज ये दृष्टि का तात्पर्य यही होता है, जीवन से भोग बुद्धि समाप्त हो जाती है, जगत में संग्रह बुद्धि समाप्त हो जाती है। इसका अर्थ ये नहीं हम निकम्मे होकर के रहेंगे, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजे विशेषतगम समा, खूब दिल से जिएंगे, एवरी मोमेंट इज लिव्ड 100%। देखो, इसको कहते हैं वेदांत की साधना। ऐसा नहीं है कि अब जी के क्या करेंगे, अरे दूसरे को मारेंगे, जी के करेंगे क्या मारे। तो तस्मात् सर्वम ब्रह्ममयम इति वेदांत दिंडिमः। आगे कहते हैं, घटकुड्यादिकं सर्वं मृत्तिका मात्रमेव च तथा ब्रह्म जगत सर्वं इति वेदांत दिंडिमः। जैसे सभी जितने भी मिट्टी के बर्तन हैं वो असल में मिट्टी ही है, ध्यान से सुनना। इसको कहते हैं जगत का उपादान कारण परमात्मा है। यह जो सिद्धांत है वेदांत का, यह आपको किसी भी शास्त्र में नहीं मिलेगा। देखो, जगत का
अभिन्न निमित्त उपादान कारण परमात्मा ब्रह्म है, टेक्निकल शब्दों में। इसका तात्पर्य यह है कि एक उदाहरण से समझ ले, मिट्टी है और उस मिट्टी का घड़ा अपने आप थोड़ी बन जाता है, उस मिट्टी को घड़े में कन्वर्ट करने के लिए कुमार की आवश्यकता है। तो ये मिट्टी जो है ये उपादान कारण हो गया, कुमार जो है वो निमित्त कारण हो गया। उपादान कारण जड़ है, निमित्त कारण कुमार, ये जिंदा है, सजीव है। तब जाकर के मिट्टी से एक घट बन सकता है। अब ये दुनिया जो है, ये दुनिया के मटके को बनाने के लिए मिट्टी कौन सी है? तो बोले ब्रह्म है। और किसने इस मिट्टी के ब्रह्म से ये दुनिया को बनाया है, वो कुमार कौन है? बोले वो भी ब्रह्म है। माने एक ही परमात्मा दो रूप से प्रकट होता है। देखो कुंडलिनी शास्त्र में बताते हैं, ऐत्र उपनिषद में आता है, सीमानम विदार्य प्राविशत। परमात्मा ने देह निर्वाण करने के बाद ऊपर से ब्रह्म रंध्र से प्रवेश किया। जैसे प्रवेश किया फिर क्या हो गया? आज्ञा चक्र में पुरुष प्रकृति के रूप में, द्विदल के रूप में यह प्रकट हो गया। उसमें का जो पुरुष है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, ये जो प्रकृति है उस प्रकृति में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और ये सभी परिवर्तनों का आधार यह जो अविकारी पुरुष है वही है। देखो संतो, इसीलिए यहां कहते हैं घटकुड्यादिकम सर्वम मृत्तिका मात्रमेव च। उसी प्रकार से इस संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म ही है। अब इसका अर्थ क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा? जैसे हम कहते हैं भारत का तिरंगा झंडा भारत का लिंग है, लिंग माने जिसे किस लिखाया जाता है उसको लिंग कहते हैं, शिवलिंग। उसके बाद शालिग्राम जो है वो विष्णु का लिंग है। तो हमको बताते हैं जैसे तिरंगा झंडा भारत का लिंग है, वैसे ही शिवलिंग शिवजी का लिंग है, शालिग्राम विष्णु जी का लिंग है, ये गलत है 100%। आप जब तिरंगे झंडे को हाथ लगाओगे तो भारतवर्ष को हाथ नहीं लगता। तिरंगा झंडा एक दिन पैदा हो गया, अब पता नहीं कितने साल तक कितने रंग रहेंगे, या ऐड होंगे या निकल जाएंगे। लेकिन जब हम कहते हैं यह शालिग्राम या कोई भी वस्तु परमात्मा स्वरूप है, तो जब हम पत्थर को हाथ लगाते हैं तो हम साक्षात ब्रह्म को, साक्षात भगवान को हाथ लगाते हैं। ये उसका तात्पर्य है। देखो संतो, इस जगत में परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। जैसे अपने देह में चाहे पैर रहे, चाहे हाथ रहे, चाहे पेट रहे, चाहे सर रहे, सब में मैं के सिवा कुछ नहीं है, सब में मैं ही है। इसी प्रकार से यह घटद गुट्यादिकम सर्वम मृत्तिका मात्रमेव च तथा ब्रह्म जगत सर्वम इति वेदांत दिंडिमः। तो जगत के प्रति ना तो भोग करना है ना संग्रह करना है, यह केवल परमात्मा है। यही बात सातवें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। यह जो प्रकृति है यह मेरी प्रकृति है महाराज। तो परमात्मा यदि हमारे पिता है, प्रकृति उनकी है, तो प्रकृति हमारी माँ हो गई ना। तो मां के साथ भोग का व्यवहार होता है कि सेवा का व्यवहार होता है? देखो दृष्टि में जब परिवर्तन आता है तभी व्यवहार में परिवर्तन आता है। जब व्यवहार में परिवर्तन आ गया तो जीवन के अनुभूति में परिवर्तन आता है, और अनुभूति की श्रृंखला को ही तो जीवन कहते हैं। इसलिए
घटकुण्यादिकं सर्वं मृत्तिका मात्रमेव च तथा ब्रह्म जगत सर्वं इति वेदांत डिंडिमः। यह संपूर्ण जगत केवल परमात्मा मात्र है। ये करने से जगत के प्रति कभी भी अच्छा बुरा भाव नहीं आएगा, हम सबके परे रहेंगे। अवस्था त्रितयम यस्य क्रीडा भूमितया स्थितम तदेव ब्रह्म जानीयात इति वेदांत डिंडिमः। अब इसके पश्चात यही परमात्मा जगत के रूप से देखा, अब अपने स्वयं की अनुभूति के रूप में यही परमात्मा कैसा खेल रहा है ये हमको बताएंगे, उसको हम कल देखेंगे। आज अपना टाइम खत्म हो गया, वहाँ से घंटी बजने के पहले निकल जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।